यूपी चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी की तलखियां खत्म हो चुकी हैं और अब नेता विधानसभा में एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलते दिख रहे हैं। आज नव निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर ये संदेश दिया कि भले ही राजनीति में कितनी ही तलखियां हो जाए, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे से इसी तरह से मिलते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दरअसल आज यूपी विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कराया जा रहा था। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। उन्हें प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद जैसे ही सीएम योगी नीचे उतरे तो उनका सामना अखिलेश यादव से हो गया। अखिलेश यादव को देखते ही सीएम योगी मुस्कुराए और दोनों ने हाथ मिलाया। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश को बधाई देते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। इसी तरह से जब अखिलेश यादव ने विधानसभा के अंदर अपने विधायक पद की शपथ ली तो उससे पहले वो सीएम योगी के पास से होकर गुजरे, तो इसी तरह से सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव का खड़े होकर सम्मान किया। अखिलेश यादव ने हाथ जोड़े तो उधर से सीएम योगी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। और अब आपको सुनना चाहिए कि अखिलेश यादव जब विधानसभा से बाहर निकले तो बाहर आते ही उन्होंने किस तरह का बयान दिया। मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है, केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। बहुत धन्यवाद। अब अखिलेश यादव भी यूपी विधानसभा की कार्यवाही में सीएम योगी के सामने मौजूद रहेंगे। देखना होगा कि किस तरह की विधानसभा की कार्यवाही में रोमांच आता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।